हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी और मैं हूं अमात्रा डंसविक कोर्ट. और मैं जब भी कहीं जाता हूं, मैं हमेशा ये नहीं सोचता कि मैं बख्तियार हूं और मैं तनाज बख्तियार और हमारा फैमिली जा रहा है, एक सेलिब्रिटी परिवार जाता है. जब भी मैं बाहर जाता हूं तो एक आम आदमी की तरह सोच कर जाता हूं कि मेरा आउटगोइंग, मेरा खर्चा कितना होगा. सो फॉर मी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि एक अफोर्डेबल हॉलीडे हो मेरे फैमिली के लिए, ताकि मैं बार बार ये हॉलीडे ले सकूँ. और हम इंडियंस की एक खासियत है कि हम कहीं भी जाएं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हमें जहर भी दे दो लेकिन अगर प्यार से दोगे तो हम वो खा लेंगे. तो आई थिंक ये होटल की खासियत है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही प्यारे हैं. राइट फ्रॉम द एंट्री टू जहाँ भी हम बैठे हैं खाना खाने, स्माइल के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, धूप हो सर्दी हो. आई जस्ट लव द एम्बियंस विद पीपल अराउंड. पीपल मेक द एम्बियंस. कुर्सी टेबल कभी नहीं. तो मेरे लिए सजावट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे पास खड़ा हुआ आदमी उसका स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो इस जगह में है एक वार्म्थ है, एक पॉजिटिव वाइब है. मेरे लिए हमेशा, एज मैंने कहा कि मैं एक आम आदमी की तरह सोचता हूँ, तो मेरा आउटगोइंग अफोर्डेबल है या नहीं मेरे फैमिली के लिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि हम अक्सर ये बोलते हैं, अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम दुबई क्यों नहीं चले जाते, थाईलैंड क्यों नहीं चले जाते. वहाँ की गंदगी आपको पसंद है लेकिन हिंदुस्तान की अच्छाई हम देखते नहीं है. एक्चुअली भी तनाज बख्तियार गोवा छोड़ के पहली बार हिंदुस्तान में कहीं और ट्रैवल किया है, एंड इट्स अ फैक्ट. बट मैं इस एक्सपीरियंस के बाद ये कहूँगा कि एक साल में दो हॉलीडे मैं अब इंडिया में लेना चाहूँगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वर्थ इट है. एंड आई जस्ट फील the entire ambiance, weather, food quality of this hotel is par excellence. Or to be very honest, मैं जितना भी, you know, मैंने जितना भी observe किया है, मैं झूठ बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा कैमरा पे, लेकिन मैंने जितना भी खाना खाया, including boiled eggs to नमक मिर्ची साथ में होता है, नमक pepper साथ में होता है, the service is mind blowing and the food क्वालिटी. मुझे पहले लगा कि यार मसूरी में क्या मिलेगा, मतलब लेट्स सी हाउ इट गोज, क्या है खाने में क्या नहीं. बट एक फाइव स्टार होटल मुंबई का और ये होटल का खाना एट पार, एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट इज एट पार, इंक्लूडिंग द सर्विस, इंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन. हम नॉर्मली खाना सर्व कर देते हैं क्योंकि हमें चार डिश सर्व करनी होती है, लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि दे टेक देयर टाइम, they present it well. आके पहले जब कोई बैठा होता है और उसे पता होता है कि manners क्या होती है, हमेशा एक waiter ने बच्चों को और औरतों को पहले serve किया है. Yes, and that is something that I noticed. और ये training उनको दी गई है या उनमें inbuilt है पता नहीं, लेकिन ये training और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत matter करती है अगर you're well travelled. And I am well travelled, so I notice all these things. And I just feel thank you to the hotel, to the staff, right from the GM to Sonu, the waiter. I just feel that sab logon ne itni achhi tarah se, not only Tanaz Bakhtiyar aur mere bachche, baaki ke guests ko bhi itna khush rakha hai ki the experience has been wonderful. God bless you guys. Cheers and do well.